नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। मसलन पिछली हुकूमत में वो वीडियो कैमरे को नहीं छोड़ते थे और तस्वीर को हराम समझते थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो वो वीडियो कैमरा और वो तस्वीर उनके प्रोपेगेंडे का एक बड़ा टूल है। तो सोशली तो उनके यहाँ कोई तब्दीली आई है, लेकिन पॉलिटिकली उनकी सोच में कोई तब्दीली मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका अब भी यही इसरार है कि उनकी इमारत इस्लामी बहाल की जाए और उस इमारत इस्लामी में वो बाकी लोगों को हिस्सा दे देंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई आगे जाके अमेरिका या इस तरह के जो कुवतें हैं अमेरिका या उसके इत्तेहादी, वो जेन्युइनली उनको कोई मजबूर करेंगे पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए। जो आपको लगता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी के खदशात हैं या जो बात की जाती है खाना जंगी हो सकती है, उसके इम्कान कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आगे बढ़ रहे हैं? खाना जंगी तो उधर हो रही है, वो अलग बात है कि हम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हमारे यहाँ उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। खाना जंगी तो उधर कब से जारी है, मसलन आप पिछले आप देखें तो 60-150 साल के दौरान कितने सहाफी मारे गए, कितने दानिश्वर मारे गए, कितने असातिज़ा मारे गए। फिर ये अफगान नेशनल आर्मी, ठीक है अमरीकी इस दौरान तमाशा देखते रहे और अमरीकियों ने तालिबान के खिलाफ एक गोली नहीं चलाई है और तालिबान ने उनके खिलाफ एक गोली नहीं चलाई है, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की तो कई जगहों पर मुसलसल इस दौरान लड़ाइयाँ होती रही। और अब भी ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट तो फौज उनके सामने सरेंडर हो गई है, उसमें भी बस मिस्ट्रीज हैं, क्योंकि शमाल के लीडर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ जगहों पे फौज को अपने हाई कमांड की तरफ से कहा गया है कि आप लोग सरेंडर हो जाएं, या कुछ जगहों पे हाई कमांड के साथ उनका रابطہ ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहाँ पे तो अब मलिशियाज बन रहे हैं और लोग अलग ताजिक उज़्बक हज़ारा तो वो अपनी मलिशियाज बना रहे हैं। लेकिन मसलन पख्तून इलाकों में आज से एक महीना पहले हमने, यहाँ तो खबर नहीं आई, लेकिन लगमान में मेहतरलाम पे जब इन्होंने हमला किया था उससे हजारों की तादाद में लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं। इसी तरह साउथ में और ईस्ट में भी कई जगहों पे लोग डिस्प्लेस होते हैं। तो जिसको हम खाना जंगी कहते हैं तो खाना जंगी तो कब से जारी है, फिर अफगानिस्तान से पैसे वाले लोग निकल गए, जहन वाले लोग निकल रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज की कीमतें काबुल में जिस तरह आसमान पे गई हुई है, अब उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो वो चीजें तो पहले से हैं, अलबत्ता नियर फ्यूचर में वो चीजें एक्सट्रीम पे जा सकती हैं। सलीम साफी साहब, कुछ हलकों का ये ख्याल है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को एक कुवत बनने दिया, मौका फराहम किया, तालिबान आस्ते आस्ते कुवत बनते चले गए। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? अगर कुवत बनने का मौका दिया गया तो फिर क्या अमरीका सपोर्ट करेगा मुस्तकबिल में तालिबान की? देखें, एक तो ये है कि अगर आप तालिबान का तहरीक का आगाज़ देख लें तो उसमें यूनिकॉल कंपनी का और तुर्कमानिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन का बड़ा किरदार था और शुरू में तालिबान मूवमेंट को हामिद करज़ई जैसे लोगों ने भी कंधार वगैरह पे सपोर्ट किया था। अच्छा, फिर ये भी एक हकीकत है कि अलकायदा की वजह से फिर उनका तनाज़ा बना, और ये अगर कोई कहे कि पिछले सालों के दौरान उनके माबेन कोई ड्रामाबाजी हो रही थी तो वो भी बड़ी जाती है। इस दौरान फिर अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने उनके खिलाफ पूरी कुव्वत इस्तेमाल की और तालिबान ने उनके खिलाफ पूरी कुव्वत इस्तेमाल की। अब ये जो तनाज़ उनका शुरू हुआ था वो अलकायदा की वजह से, और तालिबान ने ठीक है अमरीकियों के साथ जंगबंदी पे आमादगी जाहिर नहीं की, लेकिन एग्रीमेंट में उन्होंने उनके साथ लिखा है, यानी उस मामले पे तालिबान ने भी पसपाई इख्तियार की है कि हम अलकायदा को नहीं रखेंगे और अपनी सरजमीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अमरीकियों ने इस मुआहदे में
अफगान हुकूमत या अफगानों के लिए तो कोई रियायत तालिबान से नहीं ली, मसलन उनको जंगबंदी तक पे आमादा नहीं किया, लेकिन उसके जवाब में अफगान हुकूमत को मजबूर किया कि उनकी कैद में जो उनके 5,500 कैदी थे जिसमें फिदायीन भी थे और जिसमें फिदायीन के मास्टरमाइंड भी थे, उनको भी रिलीज करवा दिया। और फिर ये अगर आप देखें तो अमरीकियों ने अचानक जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली अफगान पॉलिसी दी तो उसमें दूसरी एक्सट्रीम थी, वो कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान को भी धमकियां थी। और फिर अमरीकियों ने अचानक यू टर्न लेके पाकिस्तान को भी ड्राइविंग सीट पे बिठा लिया, पाकिस्तान से भी पूरी फैसिलिटेशन उन्होंने ले ली। अच्छा, फिर अपनी डील में जितना वो संजीदा थे और जितना पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे थे, तो ये एक साल गुजर गया, कतर में दोनों फरीक बिल्कुल वक्त जाया कर रहे हैं। और वहां के लिए अमरीकी मुख्तलिफ फरीकों पे उसी तरह सीरियस कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं कि वो मुफाहमत कर ले या डील कर ले जिस तरह उनके साथ हो गई थी। फिर एक तीसरा फैक्टर जो है कि मसलन अभी जिस तरीके से अफगान हुकूमत को बेदस्तूर छोड़ दिया गया, यानी ये ऐसा नहीं होता। अब मसलन जब बगराम को वो खाली कर रहे थे तो अफगान हुकूमत को पता नहीं था, लेकिन तालिबान को पता था। फिर ये भी एक मिस्टीरियस चीज है कि तालिबान के सामने शमाल में अमूमन उन अजला का रुख कर रहे हैं तालिबान कि जिधर अमरीकियों का चौड़ा हुआ असलहा और जदीद असलहा ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें इस तरह की मिस्टीरियस जगह पे हैं। और ये भी एक अजीब बात है कि पूरे साल में अमरीकियों ने उन पर कोई गोली नहीं चलाई, इन्होंने उन पर नहीं चलाई, लेकिन अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल जंग के लिए बदनाम होता रहा। लेकिन इस वक्त खुद आपने देखा होगा कि उस रोज जो ब्रीफिंग मिलिट्री लीडरशिप ने दी है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि अब वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और फिर इसमें एक साइकोलॉजिकल मसला भी होता है। देखिए, ये जिनको हम फिर पाकिस्तान दुश्मन कहते थे, जिनको हम इंडियन एजेंट कहते थे, जिनको हम शमाली इत्तेहाद कहते थे, ये बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये उस्ताद सयाब, ये सब कौन लोग थे? इन पे तो हमने तालिबान की बनिस्बत कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में। 30-30 साल तो वो यहाँ पे उनकी फैमिलीज भी रही और वो तो खुला सपोर्ट था, कोई चोरी छुपे सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब उनको फिर वहां पे उरूज हासिल हुआ तो फिर उधर उनको एक साइकोलॉजिकल मसला आ जाता है। और साइकोलॉजिकल मसला ये होता है कि वो अपने आप को सॉवरन साबित करें और वो अफगानों को ये यकीन दिलाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में आपकी पाकिस्तानियत उस वक्त तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक आप इंडियन मुखालिफ ना हो, इसी तरह अफगानिस्तान में ये फिजा बन गई है, तो फिर अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए भी उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो पाकिस्तान से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। इधर हमारे यहाँ ये नफ्सियात होती है कि भाई ये अच्छा, हमने इनके लिए ये किया, अब ये मेरी बिल्ली मेरी म्याओं, तो ये हमारा हिकमतियार के साथ भी हुआ, ये हमारा रब्बानी के साथ भी हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के एक ऐसे पत्रकार जिनका नाम आपने पठान भाई के मुंह से भी सुना होगा, जो पठान भाई अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, यूट्यूब पर हैं, काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने बताया कि ये पत्रकार काफ़ी हद तक सच बताते हैं। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर ऐसे हालात हैं उसे पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पर लोग अफरा तफरी मची हुई है, तालिबानियों की लाशें आ रही हैं और यहाँ वहाँ के लोग भटक रहे हैं, वहाँ से लोग मतलब निकल रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, और पाकिस्तान मीडिया इसे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया वन साइडेड बिल्कुल एक ही चीज़ दिखा रहा है कि तालिबान का कब्जा होने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला एकदम से नहीं है। 80% अगर तालिबान ने अब तक कब्जा कर लिया होता तो डेफिनेटली अब तक तालिबान डिक्लेयर कर देता कि हमारी सरकार अफगानिस्तान में आ गई है, लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये इन्होंने बोला। और पाकिस्तानी मीडिया के ज़्यादातर लोग तालिबान के कट्टर सपोर्टर हैं, वो तालिबान को ही सपोर्ट करते हैं, तो वो पाकिस्तान में तालिबान का ही ऐसा फेवर करके दिखाएंगे, वो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बहुत सारी बातें कर रहा है तालिबान को लेकर, और तालिबान अभी खुलकर ये
काबुल पर क्लेम नहीं कर पाया है। और सलीम साहपी ने बताया कि पाकिस्तान के मतलब अंदर भी इसकी आग लगेगी, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है। और तालिबान पाकिस्तान की अब बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं है, जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा है वो पाकिस्तान की नहीं सुनेगा। ये बातें भी सलीम साहपी ने कही। लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान में आए और तालिबान की सत्ता वहाँ पर आए, जिससे कि ऐसा कुछ माहौल बने कि पाकिस्तान का कुछ मतलब स्टैक या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा पाकिस्तान का वहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों अब आने वाले समय में सिचुएशन क्लियर होगी। हालांकि ये बात तो क्लियर है कि भारत, चीन और दुनिया के ऐसे कई देशों के डिप्लोमेट वहाँ से निकल रहे हैं और इसकी खुशियाँ पाकिस्तान मना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पर अशरफ गनी और उनके बीच समझौता होता और अशरफ गनी ने समझौते की एक डिमांड रखी है कि आप ड्यूरेन लाइन को ना माने, ड्यूरेन लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया उसे ना माने, पेशावर को ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट माने, तो हम आपके साथ समझौते करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ अशरफ गनी ने रखा है। तो तालिबान भी सोचेगा अगर हमें इतनी आसानी से इतने सिंपल समझौते से अगर ये चीज़ें हमारे हाथ में लगती हैं तो डेफिनेटली वो ये समझौते करने चाहेगा और आने वाले समय में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।